स्वागत है आपका लाइव नाउ न्यूज में। मैं हूं मुकेश चौरसिया। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके लिए एक शेर सबसे पहले अर्ज करेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तबीयत होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं रीना कुमारी जी, जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे ये सफर कब से शुरू हुआ। सबसे पहले स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ में। आप बताइए कैसे सफर कहाँ से शुरू हुआ? सर, हमारी कंपटीशन में शुरुआत 2007 से हुई, जब हमारी शादी हो गई हस्बैंड के मार्गदर्शन में ही। और मैंने जब पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दिया था तो अंडर एज थी, और मैंने प्रयास किया और अंततः मुझे 62वीं में सफलता मिली। सर, तो कब से ये मन किया कि कुछ, आप तो जॉब कर रही थी ऑलरेडी, तो कब से हुआ कि नहीं और कुछ बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, ये कब से शुरुआत हुई, कहाँ से आपको गाइडलाइन मार्गदर्शन मिला इसके? सर, मैं 6 महीना टीचर भी रही, शुरू से रहा टीचर रहूँ। जब हस्बैंड से जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे ब्लॉक में रहने का मौका मिला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्लॉक में पोस्टेड थे। तो मैं उसी समय प्रशासनिक जॉब के महत्व को मैंने जाना और उसी समय से मुझे भी लगा कि मैं भी प्रशासनिक जॉब में आऊँ। क्या सेल्फ स्टडी किया अपने जॉब में रहते हुए, या फिर कहीं से आपको मार्गदर्शन मिला, कहीं आप जाती थी कुछ टिप्स लेती थी? मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया, लेकिन बाद में सिविल सर्विस क्लासेस, जिसमें सुमित सर, जी सर, मनीष सर के मार्गदर्शन में मुझे बहुत सफलता भी मिली है और उनकी सहायता अतुलनीय रही। उन्होंने बहुत अपनी मेहनत से, लगन से, उन्होंने मेरे मेहनत को निखारा है सर, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद किया है। तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, जैसा कि हम बार बार इंटरव्यू करते हैं सफल लोगों, तो लोग स्टूडेंट्स का यही रहता है कि क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि सफलता मिले? सबसे पहले तो सर उसको सिलेबस की बारीकी को देखना चाहिए, जिसमें यह देखना चाहिए कि मतलब क्या क्या पढ़ने से उसमें अधिक से अधिक नंबर को अर्जित किया जा सकता है। और मैंने भी क्वेश्चन बैंक का मदद ज्यादा लिया, उसमें टॉपिक सिलेक्शन में मदद मिलती है। और उसे होता है सर कि क्या नहीं पढ़े उसको छांटने में मदद मिलता है सबसे पहले, क्योंकि कंपटीशन जो है सो बहुत बड़ा है और उसमें यह बारीकी से पढ़ना सबसे बड़ी बात है सर। और उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसका क्रिटिसाइज करके पढ़िए, उसका पॉजिटिव निगेटिव पक्ष दोनों, और उससे सफलता मिलेगी सर। महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या करेंगी? अब तो आपको एक प्रशासनिक सफलता मिली है, आप एक ऐसे मैदान पे हैं, एक ऐसी पोस्ट पे हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, तो क्या करेंगी महिलाओं के लिए खास कर? तो मैं तो महिलाओं को कहूंगी कि कोई भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है, बशर्ते कि आप में चाह, जहां चाह होती है वहां राह है, और आप कर सकते, कोई भी कर सकता है, लेकिन लगन होना चाहिए और आप करना चाहिए तो भगवान भी साथ देते हैं, इस तरह से रास्ते भी मिल जाते। तो देखा आपने, इन्होंने हार नहीं मानी, आखिर तक लड़ती रहीं, पढ़ती रहीं, साथ साथ नौकरी भी की, परिवार भी देखा, बच्चे भी देखे, और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, सीख ले सकते हैं आप भी। खासकर मैं छात्राओं से, लड़कियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव नाउ न्यूज। वन शॉप ऑल सॉल्यूशन मोबाइल हैबिटेट पानी टंकी चौक मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।